आदाब नाजरीन, टुडे टाइम्स खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए खबरों पर तफसीली नजर डालते हैं। नाजरीन, मेरे साथ वो मशहूर शख्सियत नादिया खान है जो अमित शाह साहब को एक लखब से नवाजे खसखसे के नाम से। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप जो नाम दिए उसके बारे में, क्या आपको जहन में कैसा आया आपके ये नाम? बड़ा मौजू नाम है। देखिए, जहन में आने वाली बात है, जब वो एक जाहिल इलाके मुद्दा मानसिक के पेपर दिखाओ तो लाजिम है उसको उससे ज्यादा बदतर बातें कर सकते हैं, पर एक लिमिट है जो हमारी, एक लिमिट है कि मैं एक औरत बच्ची हूँ, सबसे पहले सोचना चाहिए जितना मैं बोल रही, शायद मेरे लिए वो बहुत ज्यादा बात है। तो मैं जो आटे का थैला और खसखसा बोले इसको बहुत कम है, क्योंकि वो एक ऐसा गंदा पानी है जो उसमें ना गटरों में शामिल होता है ना नालों में शामिल करता है। अच्छा, एक 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 सवाल आपसे ये था कि अभी जिस तरीके से आप परसों भी एक अपील कर रहे थे सदर साहब से कि यहाँ पे भी जो है एहतजाज के लिए कुछ अच्छे इंतजाम किए जाए, तो अभी आपको कोई जवाब आया उसके बारे में? देखिए, जवाब तो मेरे को नहीं आया, पर मैं जवाब की उम्मीद रख रही हूँ। शायद उनके बहुत फॉलोवर्स है, फैंस है, तो नहीं सुनते, शायद मेरा वीडियो उनके पास गया, तो मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूंगी। देखिए सदर साहब, आप माशाल्लाह बैरिस्टर है, आप वो बाजू रख दीजिए, आप MLA है बाजू रख दीजिए, आप MP बाजू रख दो, सब एक आम इंसान को आपकी जरूरत है। वो देखिए, अब एक बात बोलती हूँ मैं, इंसाफ के लिए किसके पास जाते हैं? जिसके पास मिलता कुछ तो उनके पास जाते ना। तो हमारे को दिखता है कि आप चलो भाई, आप है एक हायत है हमारे, एक सदर है जो हमारे नौजवानों की जान है। आप बहुत लोग आके जैसा बोलते हैं कि अरे सदर साहब शेर है, वाकई में शेर है आप, वाकई में शेर है आप। अब दिखाइए, आप दिखाइए, मैं बोल रही आपको, एक छोटी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ के या पांव पड़ के या आपसे विनती कर रही हूँ मैं कि आप दिखाइए, क्योंकि अभी तक तेलंगाना का नाम बहुत खराब हो चुका है तुम लोग की तरफ से कि हम एक शाइन बाग नहीं बना सके, शेम है हमारे पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि अभी आपके ऊपर भी शायद केस बुक हुआ है और आगे जो है सो जिस तरीके का माहौल है, चाहे वो NPR हुकूमत तेलंगाना जो है सो ऐलान कर चुकी है फर्स्ट अप्रैल से NPR शुरू करेंगे बल्कि, तो अब आप जो है सो अपने स्टैंड पे कायम रहेंगी या हुकूमत के साथ? देखिए, हुकूमत के साथ तो बिल्कुल मैं नहीं, मेरी जान भी चले जाए तो मैं नहीं रहूंगी। और बात रही केसों की, तो ऐसे कितने केसेस डाल तो लो डालें दो, शायद मेरे भाइया मेरे भाई ना मेरे साथ रहेंगे ना, ऐसे केसों से लड़ लूंगी मैं, लड़ लूंगी, क्योंकि मेरे भाइया मेरी ताकत है। आज मैं जो धैर्य भी हूँ, आज शायद मेरे चंद लोग जो मेरे को बोलते ना दिया आप है हम आपके पीछे, जो नहीं बोलते उनका भी वेलकम है, तो मैं उन लोगों की वजह से धैर्य भी हूँ और उनके हक की आवाज के लिए धैर्य भी हूँ मैं। और एक दूसरी बात क्या मालूम है, जो हमारे दूध बेचने वाले साहब, क्या नाम है उनका? महमूद अली साहब, NPR कैसे तेलंगाना राजी हो गया बोल के बोले साहब, गोली गोली से था ये दिखा दिए आप। मैं इतना बात बोलना चाहूंगी, इतनी बात बोलना चाहूंगी मैं कि आपने और मोदी में कुछ भी फर्क नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बात करने के लिए नाजरीन, ये थे नादिया खान। जरा भाई यहाँ पे भाई इस तरीके का जो अभी प्रोग्राम खत्म हुआ और काफी लोग जो है सो इनको लोग प्रतीक कर रहे हैं। मैं अहमद मुस्तफा कादरी, कैमरामैन सैयद साजिद, मोहम्मद गौस के साथ।